वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल टीम व्लॉग्स। जो इस समय हम चांद पार में हैं और आपको एक पोल्ट्री फार्म पर ले चलेंगे जहां पे अंडे का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है और यहां से सप्लाई भी होती है बहुत तेज़ी से। और आप कृपया गाइज हमारे साथ बने रहिए और हम वहां की चलकर प्रॉपर जानकारी देंगे। रेडी निकला ले हो इसी 2 मंजिल पे वो पोल्ट्री फार्म है और चल रहे हैं हम, दिखाएंगे आपको। देखिए देखिए गाइस कितनी मात्रा में यहाँ पे मुर्गियाँ हैं और पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है और इसकी सप्लाई बहुत दूर दूर तक जाती है। देखिए गाइस अंडा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है भारी से भारी मात्रा में। देखिए अंकल जी लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। देखिए अंकल जी कानपुर के रहने वाले हैं और इस पोल्ट्री फार्म में पूरा सेवा दे रहे हैं और ये जो मुर्गियाँ हैं उनको टाइम टाइम से चारा खिलाने का काम करते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस इस फार्म के जो है ओनर भी यहाँ पे हैं और हम आपको मिलाएंगे उनसे और बात कराएंगे, थोड़ा उनसे पर्चे लेते हैं। नमस्ते सर, और कैसे हैं सर? ठीक है सर। थोड़ा सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए जो मेरा नाम औरंगजेब है, मैं जी 5 साल से मैं पोल्ट्री लाइन में हूँ जी। मेरा लेयर फार्म है चांद पार में जी, GMPUR के पास पड़ता है चांद पार एक गाँव जी। और मेरे यहाँ जो है
फीट जो है 10 फीट चल रही है जी जी, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है जी, कनेक्शन अच्छा है, मिटलती नहीं है, पोलियस की शिकायत नहीं है। अच्छा सर, आपके पास जो मुर्गियाँ हैं कितनी होंगी सर, थोड़ा बताइए। ये मेरे पास 6,500 है। 6,500 मुर्गियाँ जी, और पर डे अंडे इतना निकल जाता होगा? पर डे अंडा जो है मेरा इस समय जो है 95% 96% प्रोडक्शन है, 57-58 अंडा आता है। अच्छा सर, सप्लाई आप मार्केट में कैसे देते हैं, थोड़ा बताइए। सप्लाई तो जो है व्यापारी लोग आते हैं, वो लोग अंडा लेके जाते हैं, अंडे का रोज रेट आता है। अच्छा, रोज पर डे जो है इसका रेट 12:30 बजे जी जी आता है, और व्यापारी आता है अपना जो है लेके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी है ताज़े अंडे पर डे आप लोग सप्लाई कर देते हैं? हाँ, व्यापारियों लोगों के द्वारा रोज़ सप्लाई हो जाती हाँ, है। और जो जो सर सीड जैसे खिलाने के लिए बताए हैं वो कौन सी है, थोड़ा हम लोग दिखाइए, हमारे दर्शकों लोगों को दिखाइए। ये स्पीट है जो है, ये स्पीट है यही। अच्छा अच्छा, यही जो है गोली एक लाओ भाई। अच्छा यही है जी, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है जी जी। और वैक्सीन वगैरह वगैरह सब कुछ टाइम टाइम से आप लोग देते ही होंगे? वैक्सीन क्या, वैक्सीन तो शुरू में स्टार्टिंग में ही लग जाती है, बाद में नहीं कुछ लगती है, सिर्फ एक लसोटा के नाम से वैक्सीन आती है, हर महीने में लेना पड़ता है। बाकी और ज़रूरत है तो अपना कोई दवा की ज़रूरत है तो लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे दवा की कोई ज़रूरत नहीं लाइक रखिए। चलिए सर ठीक है, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा।